हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर पूनम। मैं आज आपको सूट की कटिंग सिखा रही हूँ जो ऑलरेडी मार्केट से स्टिच आते हैं, यानी हाफ सिलाई आती है। जैसे गला बना हुआ होता है, मुंडे पे से स्टिच होती है, सिलाई लगी होती है, बाजू सिलाई लगी होती है, तो उस तरह के सूट की हम कटिंग कैसे करें, स्टिचिंग कैसे करें। हमें नॉर्मल सूट की कटिंग आती है, लेकिन इस तरह के सूट के कपड़े आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखोगे तो नहीं घबराओगे आप। इस तरह के सूट जब मिलते हैं आपको आधे स्टिच करे हुए, यानी आधे सिले हुए, तो उनको हम कैसे कटिंग करें, कैसे स्टिच करें, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, आप फुल वीडियो देखो। जो भी स्टिच करा है, जैसे बाजू लग रही है, सिलाई हो रही है, मुड्डे पर सिलाई लग रही है, तो आप उसको खोल लेंगे। सबसे पहले तो पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से खोल लेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें, ना ही चीर फाड़ करेंगे, आराम से सुई धागे से खींचेंगे। क्योंकि ये कपड़ा बहुत हल्के होते हैं, ऑर्गेंजा फैब्रिक या हल्की जॉर्जेट या हल्की सिल्किन वाले, इस तरह के कपड़ों में इस तरह की फिटिंग आदि सिले हुए आते हैं। और अस्तर भी लगाऊंगी इसके साथ में। कैसे कटिंग करती हूँ, बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है अस्तर वाले सूट की। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देखना। देख लो, मैं अलग अलग कर लिए हैं, पीछे वाला पार्ट अलग कर लिया है, आगे का पार्ट अलग कर लिया है। पीछे वाले में अब गला भी बनाऊंगी, पहले गला नहीं था इसमें। ये स्लिप्स मैंने अलग कर ली हैं, आप कोई भी डिज़ाइन दे सकती हो स्लिप्स में, रूली नहीं कि यही स्लिप अटैच करें आप, फिटिंग देख के अपनी अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकती हो स्लिप्स को। तो इस तरह से आप पूरा फुल पहले सिलाई खोल लें इसकी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग, कि कैसे आप आसान तरीके से कर सकती हो और बहुत ही जल्दी कट हो जाता है। अब देख, ये है मेरा 2 मीटर फैब्रिक, ये कम से कम एक ब्लिस सूट से ऊपर आता है। इसमें 38 इंच ही, 2 मीटर में 38 इंच रेडी हो पाता है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। अब मैं जो भी मेरी फिटिंग है हिप की, ध्यान रखना हिप की जो फिटिंग है उसका 1/4 हिस्सा करूँगी, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से इसको फोल्ड कर दूंगी। ध्यान रखना हिप के अकॉर्डिंग ही आपको फोल्ड करना है, 4 पर्त में, यानी 4 फोल्ड करने हैं। देखो, पहले 2 करे थे, 1 और कर दिया तो ये 4 हो गए, यानी 2 आगे के 2 पीछे की, इस तरह से 4 पार्ट हो गए हमारे। तो हम 4 पार्ट में ही अपने निशान लगाएंगे प्रॉपर जो फिटिंग के होते हैं। ध्यान रखना कभी भी बॉडी मेजरमेंट लेते हो आप और सूट की कटिंग कर रहे हो या पैंट या प्लाजो की, तो 4 हिस्से में ही हम करते हैं, क्योंकि 4 फोल्ड करके हम करते हैं इसको। अब सबसे पहले मैंने अस्तर रखा है 4 फोल्ड में। अब मैं जो पीछे का पार्ट है, पीछे की जो कपड़ा है हमारा सूट का, उसको रखूँगी। अगर आपके पास सेटिंग पिन है, सेटिंग पिन से आप इसको सेट कर लें, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो। बहुत मक्खी आ रही थी क्योंकि छत पर कटिंग कर रही थी मैं सूट की, क्योंकि मौसम आपको पता ही है, बारिश का मौसम इस टाइम। अब देखो, जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं इस तरह से रखूँगी। पहले मैंने अस्तर रखा, फिर सूट का बैक पार्ट रखा, फिर मैंने फ्रंट पार्ट रखा। ध्यान रखना इसमें गला बना हुआ है ऑलरेडी आगे वाले पार्ट में, तो इसको भी हम कैसे बनाएं, अस्तर कैसे अटैच करें, वो भी मैं सिखाऊंगी। इसलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें, जिससे कि बहुत आसान तरीके से सिखाया है, एकदम जल्दी सीख जाओगे आप। अब देखो कितनी जल्दी कटिंग हो जाएगी, एक साथ कट कर दूंगे। ये नहीं सिखा रही कि पहले आगे का पार्ट करो, फिर पीछे का पार्ट करो, फिर अस्तर की कटिंग करो, आगे 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 की पीछे की। इसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखो मेरी जो ट्रिक है ना, पहले अस्तर, फिर बैक का, फिर आगे फ्रंट का, बस ये ट्रिक अपनाना, एकदम फटाफट आपकी कटिंग हो जाएगी अस्तर वाले सूट की। कोई परेशानी भी नहीं होगी, इस तरह के सूट जो आते हैं आपको। फिटिंग के नाप है आपका जो भी, आप 1/4 हिस्सा करके निशान लगा लें और 2-2 इंच मार्जिन करके आप निशान लगा लें। जैसे चेस्ट आपका मैंने 1/4 हिस्सा करके निशान लगा लिया है, कमर पे 1/4 हिस्सा करके लगा लिया है, हिप पर भी 1/4 हिस्सा करके लगा लिया है मैंने। और जो चाक जो खोलने हैं वो मैंने 14 से लेके, आप कितना भी कर सकते हो, 14-15, वो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग है, बॉडी मेजरमेंट के ऊपर कि आप कितना चाक खोलना चाहते हो ऊपर कमर पे से। तो मैंने 14/15 तरह से निशान लगा लिया है और 2-2 इंच मार्जिन ले लिया है सिलाई के लिए। और हाँ, एक और बात, मेरे सब्सक्राइब ने पूछा तो कि आप फिटिंग कैसे लेती हो, कितना मार्जिन छोड़ती है फिटिंग में। तो जब भी आप बॉडी का मेजरमेंट लें सूट की कटिंग के लिए, सूट की फिटिंग के लिए, आप बॉडी का मेजरमेंट लें या ब्लाउज की फिटिंग के लिए, तो जब भी आप इंची टेप से नाप लें तो एक फिंगर उसके अंदर रखें इंची टेप में, यानी बॉडी के अंदर जो इंची टेप है एकदम सटा कर या चिपका के ना लें, घूमता हुआ रहे। अगर बॉडी में जो इंच टेप है घूमता रहेगा तो जो आप कपड़ा पहनोगे तो कंफर्टेबल आपके फिटिंग के साथ बैठेगा। अब देखो इस तरह से मैं कट कर लूँगी इसको।
ध्यान रखना साढ़े छः की मेरी ये आर्मोल रखी ऊपर के, और इस तरह से फिटिंग पूरा लेके दो दो इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से देखो एक साथ कट हो गया मेरा। अब आपको अलग अलग कट करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी कट हो जाता है, वो तो मैं आपको बता रही थी इसलिए टाइम लगा है, लेकिन बहुत जल्दी कट के तैयार हो जाता है इस तरह से सूट कट करोगे तो। और अगर आपको प्रॉपर कट सिलाई सीखनी स्टिच सूट की नहीं, तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो को, फुल अस्तर की कटिंग सिलाई सिखाई है मैंने, एकदम खुल के गले की तुरपन से लेके चाक की तुरपन तक बताया है उसमें पूरा फुल में मैंने। और इसमें सिर्फ मैं आपको कटिंग और गले का जो अस्तर कैसे लगाया जाता है, इस तरह के गले जो आते हैं पाइपिंग वाले, वो सिखाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो ही आती है और हर बार एक ही सेम चीज़ नहीं सिखानी, मुझे अलग अलग हटकट चीज़ सिखानी है। तो आप इसमें इतना सीखें, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको इस वीडियो को, तो आप फुल वहाँ सीख सकती हो। अगर आपको आता है, सिर्फ आपको यही सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी थी कि जो आधे सिले हुए आते हैं मार्केट से, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है ये, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अब देखो जो मैंने सूट के कपड़े हटा दिए हैं मैन फैब्रिक वाले, और मैंने अस्तर पर इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लूँगी, जबकि जब मैं गले अटैच करके तो मुझे दोबारा नापना ना पड़े, तो मैंने पहले ही ऑलरेडी स्तर पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं फिटिंग के, क्योंकि बार बार मुझे उठना बैठना ना पड़े निशान के लिए, नापना ना पड़े। अब देखो एक साइड से मुझे निशान दिखाई दे रहे थे अपने, तो मैंने एक साइड ये भी इस तरह से निशान लगा लिए हैं। आप भी इस तरह से लगा लें पहले ऑलरेडी, क्योंकि जब गला बनता है तो बुकरम वाले गले को फोल्ड करना नापना थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए आप इस तरह से अस्तर वाले सूट पर ही पहले फिटिंग का निशान लगा लें और इस तरह से अलग कर लें दोनों पार्टों को। अब मैं आपको गले पर अस्तर लगाना सिखाऊंगी। जब भी कभी आपके सामने इस तरह का गला बना हुआ आए मार्केट वाला और लेडी पूरा बना हुआ है, तो इसमें आप अस्तर कैसे लगाएंगी, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है ये। ये नहीं कि टेम्परेली लगा लिया, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। बहुत ही सुंदर गला था मेरी, तो इसके सूट के गले पर फिदा हो गया था, वाकई में बहुत ही सुंदर बन रहा था, ये फिनिशिंग थी इसके गले में, मिनर वर्क हो रहा था हैवी, और पाइपिंग जो लगी थी इतनी फिनिशिंग के साथ लगी थी, बहुत ही कम आती इस तरह की मार्केट में फिनिशिंग, लेकिन इस सूट के कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, देख सकते हो आप, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी प्यारी फिनिशिंग दे रखी है पाइपिंग के अंदर भी, वर्क के अंदर भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसी फिनिशिंग के साथ हम इसमें गले में अटैच करेंगे अस्तर को, जिस तरह से इसके अंदर फिनिशिंग वर्क में और पाइपिंग में दी है, वही फिनिशिंग हम अस्तर में अटैच करेंगे। देखो आप पूरा वीडियो किस तरह से अटैच कर रही हैं, देखो मैंने अस्तर में इस तरह से गले को अच्छी तरह से रख लिया है, और जो आपका सेप बन रही है, जैसे गोल बन रही है गोल में, पान सेप में, स्मार्ट गले में, जो भी सेप्स बनी है, सेप आधा आधा इंच छोड़कर आपको चौक से इस तरह से निशान लगा लेना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आधा इंच इस पर चौक से निशान लगाना, कोई नाप तोल नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सुंदर गला बनवा है, सिर्फ हमें अस्तर अटैच करना है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के गले में कपड़ों जो है हल्का आता है, तो हमें अस्तर लगाना ही होता है। अगर कॉटन वाले गले सूट होते हैं उसमें गला बना तो उसमें अस्तर नहीं लगाना होता है, लेकिन इस तरह के कपड़ों में, हल्के वाले कपड़ों में, हमें अस्तर लगाना होता है और इसी तरह से अटैच करना आता है एक फिनिशिंग के साथ। अब देखो मैंने कट कर लिया है पूरा, आप एक मेन पॉइंट यहाँ पे भी देखोगे, ये वी नेक हल्का सा स्मार्ट गला बन रहा है, तो हल्का सा कट दूंगी मैं, वैसे गोल में नहीं देना होता है कोलो और में, लेकिन जिस कोने बने होते हैं जैसे पान में चौकोर में कोने होते हैं, उस पर हल्का सा कट देना होता है फिनिशिंग के लिए। तो आप देख सकते हो पहले मैंने एकदम सीधा रखा है, ऐसे ना रख कर आपको ऐसे रखना है, यानी दूसरे वाले गले को दूसरे के हाथ के गले पर इस तरह से स्तर पर रखना है, और प्रॉपर सिलाई लगानी है आपको, एकदम अच्छी तरह से सिलाई लगानी है जो है, और पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए लाना है आपको, इधर उधर सिलाई नहीं करनी है, जिस तरह की आपके अस्तर पर प्रॉपर सिलाई अटैच हो जाए आपके निकले ना, इसलिए आप पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए लाएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और कोई ये भी नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा वैसे जैसे लग रहा वैसे लगा दो, नहीं, फिनिशिंग के साथ वर्क करोगी बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और सामने वाले को भी। आप अगर यूट्यूब पर सिखाती भी हो अगर तो आपको ये ट्रिक नहीं आती है, तो प्लीज़ ये भी ट्रिक देखें आप और अपने ये चैनल पर सिखाएं, या आपको और कोई ट्रिक आती है तो वो भी शेयर करें आप अपनी। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो और घरेलू आप नॉर्मल सिलाई करते हो या कुछ आप सिखाती हो, अगर ये ट्रिक नहीं आती है आपको, तो आप ज़रूर इसको ट्रिक को अपनाएं, बहुत अच्छी और बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखो जो मैंने कट्स लगाए थे इस पर भी
जो नोक थी कोना था इसका गले का उस पर रखूंगी, फिनिशिंग के साथ बंद कराएंगे, कोई भी झोल या सरवट नहीं आएगी यहाँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मेन पॉइंट है इस तरह के गले बनाने का। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना, इस तरह के गले बनाना, इस तरह के सूट की कटिंग करना, कैसे हम कपड़े को स्टिच करें, कैसे हम इसको खोल के कटिंग करें, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है मैंने इसमें पूरा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको लिए नई नई लाती रहूँगी, ड्रेस लाती रहूँगी, बहुत ही सुंदर अपने चैनल पर ड्रेस बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइंस, बॉटम डिज़ाइंस और क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टाइलिश पैंट बॉटम सब कुछ सिखाती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे आराम से सीखें, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है आपको, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास इतना अच्छा चैनल है, घर बैठे सीख सकते हो। देखो कितनी प्रॉपर फिनिशिंग, प्रोफेशनल की तरह बुटीक स्टाइल सबसे बेस्ट फिनिशिंग आई है, आप भी इसी तरह से यूज़ करें। और एक बात और ध्यान कि मैं इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी? क्योंकि जब भी हम इस गले को पहने यानी सूट को पहने तो जो मेरा अस्तर का कपड़ा वो बाहर दिखाई ना दे, इसलिए आपको एक और सिलाई देनी है और अपने सुई को बचाते हुए, क्योंकि मिनर थे, ओरिजिनल मिरर लग रही थी इसमें, नग भी लग रहे थे, बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन थी ये, तो इसलिए मैंने बहुत ही आराम आराम से सुई को बचाते हुए इस पर सिलाई लगाई है। आप भी इस तरह से सिलाई लगाएं, लेकिन लगाना है आपको इसके ऊपर भी, क्योंकि जो कपड़ा है ना अस्तर का वो ऊपर नीचे ना हो, आपको बाहर दिखाई ना दे जब भी आप सूट पहनो इसको। तो देख सकते हो आप कितना, सच में इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे, तो बहुत ही फिनिशिंग आई थी इसके अंदर, देख सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर कोने वगैरह में झोल सरवट आ जाती है, लेकिन जो कट्स लगाया था ना मैंने वेस्ट लगा था, बहुत ही वेस्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलर भी एकदम अच्छा लग रहा था, बहुत ही यूनिक कलर था, जो ज़्यादातर इंस्टाग्राम से और नेट्स पे आपके सूट मिलते हैं वही सूट है ये आपका जो है। फिनिशिंग देख सकते हो प्रॉपर, आप कटिंग और स्टिचिंग के अंदर देख सकते हो अस्तर कैसे लगाया, कैसे अटैचमेंट तुरपन करी है। अगर आपको इस तरह का अस्तर तुरपन नहीं करनी आती है तो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ देख सकते हो उस वीडियो में आप, आपने पूरी वीडियो को देखा, थैंक यू।